आए। अबे ओए, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, सोफे पे बैठ के आराम से मूंगफलियां चल रही है गाय की तरह। कंबल में बैठी हुई आराम से, मूवी निकल रही है हमारी। हाँ चल जल्दी तैयार हो जा। मैं नहीं जा रही यार मूवी देखने, मेरे को ना पीरियड्स हो गए। पीरियड्स हो रहे यार इसका? देखियो हर बार की ये ड्रामा है, पीरियड्स हो रहे हर बार ऐसी करती है ये। यार एंड टाइम में ना प्लान कैंसिल मत करा कर, ठीक है? धोखे बाज कही की, मेरा मूड खराब कर दिया सारा। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं नहीं जा रही कहीं पे मूवी देखने। तू नहीं जा रही तो हम भी नहीं जा रहे। ठीक है मैं तो नहीं जा रही, तुम भी मत जाओ। क्यों ना जाए, हम तो जाएंगे। तेरी वजह से हम अपना प्लान कैंसिल क्यों करें? सारा मूड खराब कर दिया यार इसने। चलो दोस्तों चल। धोखेबाज कहीं के पेरेंट्स को भी अभी होना था क्या? अबे यार इसे सारा दिमाग खराब कर दिया एंड टाइम पे मूवी के लिए मना करके। अब उसकी जो टिकट है वो तो खराब जाएगी ना। एक काम करते हैं, जो मूवी की टिकट है क्यों ना उसे हम ब्लैक में बेच दें। हाँ और पैसे भी वसूला देंगे। ये तेरा आइडिया सही है। सही है। और अगर नहीं बिकी तो क्या करेंगे हम? अबे करेंगे क्या, किसी ना किसी लड़के को दे देंगे, लड़कियों को देख के वैसे भी खींचे चले आएंगे। एक टिकट तो है ही, बोल देंगे हमारे साथ आके बैठ जा। हाँ और वो बैठ भी जाएगा। कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न के पैसे उसी से लेंगे। चलो एक मिनट, किसकी टिकट बेचने की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ तेरी टिकट बेचने की। मेरी टिकट क्यों? मैं भी जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। और तेरे पीरियड्स? पीरियड्स का क्या है, हर महीने आते रहते, मूवी थोड़ी ना बार बार आती है। ऐसी एनिमल मूवी है, पूरी दुनिया देखने जा रही है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी। और पीरियड्स का क्या है, तुम तीनों हो ना ध्यान रखने के लिए, मेरा ध्यान रखना। इसके ना बीच बीच में मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तू और तेरे मूड स्विंग्स कोई नहीं समझ सकता, चल अब हमारे साथ। अच्छा चलो अब लेट हो रहे मूवी के लिए। वाह यार कितनी मस्त मूवी थी ना, और रणवीर कपूर, मैं तो उसकी और बड़ी फैन हो चुकी हूँ मूवी देखने के बाद। मैं तो उस बॉबी देओल की फैन हो चुकी हूँ, कैसे डांस करता है। थी तो बढ़िया मूवी वैसे। अरे क्या खाक अच्छी मूवी थी, इतनी बेकार मूवी थी ना, मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। लड़कियों की इतनी बेइज्जती करी हुई है इसमें, पता भी है? मैं नहीं देखती ऐसी मूवी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रखी लड़कियों की। हाँ क्या, तो बिल्कुल सही रही है ये। रुक जाओ बूट्स खुल गए। चलो निशान तो नहीं लगा, चलो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, इतनी तो बेकार फिल्म थी ना यार। जो पीछे वाली सीट पे लड़का बैठा था कितना क्यूट सा था ना। क्या क्यूट सा था, चोमो सा था एकदम, चिल्लाए जा रहा था बस। हाँ पूरी मूवी में बस यही बोल रहा है, मोई 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 मोई। यार ये लड़कियां कैसे कैसे इशारे कर रही थी, मेरी तो समझ के बाहर है। लड़कियां ही लड़कियों के इशारे समझ सकती है, हम लड़कों को नहीं समझ आते। खैर छोड़, मुझे क्या। अच्छा हुआ हम लड़कियों को ना एक दूसरे के इशारे समझ आते हैं। हाँ हुई है जब से देखे जा रहे, पता नहीं क्या सोचे जा रही है। क्या हुआ है? तुमको पता है? नहीं पता, बता। तो बता रही हूँ ना, तुमको पता है एक ना लड़का है
जिसमें मैं ना 3-4 हफ्ते से ऑनलाइन डेटिंग कर रही हूँ। ऑनलाइन डेटिंग, लड़का शड़का डेटिंग वगैरह, हमें भी तो दिखा कौन है। फोटो दिखा, फोटो दिखा, फोटो दिखा। ठीक है दिखा रही हूँ। लड़का है। वाओ, MBA, वो भी लंदन से। वेल एजुकेटेड। शहरी पपलू? शहरी पपलू नहीं है, बस थोड़ा हाई सोसाइटी है। अच्छा ये तो बता, जा कब रही है डेट पे? उसने ना मुझे आज ही बुलाया मिलने। पहन क्या रही है? मैंने ना एक स्पेशल सी ड्रेस मंगवा रखी है, वही पहन के जाऊंगी। तू जल्दी जाना। अरे यहाँ क्या बैठी है, जल्दी से जाना, तैयार हो जा, जा। मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। जा और जल्दी से आ। अबे कितनी देर लगाएगी? तेरी डेट की डेट चली जाएगी तब तू डेट पर जाएगी क्या? आ जा अब। कितना सजेगी? पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आया मिटा दिल से वो गम का अंधेरा। अबे कीर्तन में जा रही है क्या? सूट क्यों पहन कर आई है? माता बनने के तुझे बहन जी लग रही है, जा चेंज करके आ। कुछ अच्छे से कपड़े पहन कर, अच्छे से। शहर के इतने अच्छे लड़के के साथ जा रही है, बेइज्जती करवाएगी क्या? अब मेरे पास यही कपड़े हैं, मैं ऐसे ही तो कपड़े पहनती हूँ। अच्छा रुक, मैं देती हूँ तुझे कपड़े। अब देखना। देख कितनी अच्छी लग रही है, नजर ना लग जाए। हाँ, वो भी मेरे कपड़ों में। यार ये कैसे कपड़े पहना दिए तुम लोगों ने, कितने गंदे लग रहे हैं और कट स्लीव्स भी है। तुम्हें पता है ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ऊपर से ये यार अंडरगार्मेंट्स भी नहीं हो रखी मेरी, बेइज्जती करवाओगे? अगर मैंने गलती से भी हाथ उठा लिया ना तो ब्लैक कलर की अंडरगार्मेंट्स और छोटे छोटे हेड भी तो है। चुप कर, इन्हीं कपड़ों में जाएगी तू। डेट पे अच्छा लगना है तो ये पहनने ही पड़ेंगे। हाँ लड़के को पटाना भी तो है ना, कैंसल थोड़ी ना करवाने हैं। यार ये पैंट भी तो देखो, हाई वेस्ट पहना दी, मेरा पूरा पेट बिच रहा है, खाऊंगी कैसे मैं उधर जाके फिर? बता यार इसको कुछ बता, फैशन क्या होता है इसको कुछ बता। अरे तू बहुत मस्त लग रही है, एकदम गोरी मैम। अब तू खाने जा रही है लड़का पटाने? हाँ बात तो ये सही कह रही है, ठीक है ठीक है जा रही हूँ, बाय। ओए अब हम यहाँ बैठ के क्या करें? हाँ हम एक काम करते हैं, हम इसके पीछे चलते हैं, कहीं हमारी बेइज्जती ना करवा दे। हाँ देख तो लेंगे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, नाक कटवा देगी हमारी। चलो चलो। हाय। ओ शिट, धीरे चलती हूँ। मैंने ना आपके लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बुक किया है, चले? चलो। आज तो फर्स्ट डेट पे ही पोपट हो जाता, भूल कैसे जाती हूँ कि मैं लड़की हूँ। वाव कितना सुंदर रेस्टोरेंट है ये तो। चले अब। चलो ये लो मेन्यू। अरे लो। एक सैंडविच कर दो। थोड़ा आगे तो लाओ। अरे भैया एक सैंडविच और मेरा पिज्जा कर देना।
और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने ना MBA किया हुआ है। मैंने भी BA LLB किया। अभी अपना हाथ तू नहीं उठा रही, कर क्या रही है ये? इतने सुंदर कपड़े बना के भेजा इसको, ये हरकतें कर रही है। इतना समझाया था, सब गड़बड़ कर दिया। बेइज्जती करवाएगी ये हमारी। लो सैंडविच खाओ। अरे लो मैं दे देता हूँ। ये लो पिज्जा खाओ। अरे खाओ ना। ये लो। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। हे भगवान, अब जाके सांस आई है। इतनी देर से ऐसे हाथ भींच के बैठी थी, गलती से मेरी अंडरआर्म्स ना दिख जाए। अरे पेट, हाई वेस्ट जीन्स पहना दी, खा भी नहीं पा रही कुछ। उसके आने से पहले ठूस लेती हूँ। अच्छा लग रहा है। यार कैसी अजीब सी लड़की है ये। मुझे तो लग रहा है ये लड़की पक्का टुंडी है यार, इसके हाथ ही नहीं उठ रहे। ऑनलाइन डेटिंग ऐप में भी ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कैसी भी लड़की मिल जाती है। जल्दी से कैसे भी करके ना इसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। कोई ना कोई तो बहाना लगाता हूँ। चल यार। खाओ खाओ। यार ये तो सच में डिफेक्टेड पीस लग रही है। जल्दी इससे पीछा छुड़वा लेता हूँ। मैंने एक बार दोबारा वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है। चल मार। अरे वॉशरूम तो उस साइड है। अबे रुक। तेरे को ना छुप छुप के देख रहे थे और तेरी हरकतें भी देख रहे थे। क्या कर रही थी ऐसे 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 ऐसे? हाँ, हाथ नहीं उठा सकती थी अपना, इतना सब कुछ सिखाया था फिर भी तूने सारा गड़बड़ कर दिया। तेरे को इतने अच्छे कपड़े पहना के भेजा, सब चीज सिखाई कि कैसे बात करनी है कैसे रहना है, फिर भी तूने गुड़ गोबर कर दिया। तेरी ना आगे से कभी सेटिंग नहीं कराएंगे, चुप रही हो अब। तुम तो जैकेट दे पहले तू। एक तो इतना अच्छा फैशन करवाया था और ऊपर से खाना खा जा दिया। टूंडी है क्या? टूंडी नहीं, गुंडी है। गुंडी सारे लड़कों को भगा देती है। अब सही है, ये सब कुछ ना तुम तीनों की वजह से हुआ है। आज के बाद ना मुझे किसी भी लड़के के साथ ना ऐसे लड़के के साथ, वो भी शहरी पपलू के साथ डेट पे मत भेजना, ठीक है ना? मेरे को जैसे कपड़े पहनने ना मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। मेरे को सूट सलवार पहनने, साड़ी पहननी है या लहंगा चुन्नी पहनने, जो मर्जी पहनना हो, ठीक है ना? अपने हिसाब से मेरे कपड़े मत बनाएगा। ऐसे कपड़े पहना के भेज दिया, कट प्लेस देगा। देखना मैं ड्रॉप्स भी नहीं करवा सकती थी, 5 दिन पहले मैंने करवाई थी, ठीक है? अब वो छोटे छोटे हो गए, ना उसको निकाल सकते ना रख सकते, ऊपर से काली हो रखी है। मेरी सारी की सारी बेइज्जती करवा दे। तुम लोग ऐसे कपड़े पहना करो, ऊपर से हाई वेस्ट जींस पहना दी, देखिए कैसे पेट ढक रहा है। ऊपर से खा भी नहीं सकती मैं कुछ, इतना ज्यादा टाइट हो रहा है मेरा पेट। पागल है क्या? जिंदगी भर ऐसी रहेगी क्या? किसी लड़की के साथ चाटल। तेरे लिए ना कुछ भी करना बेकारी है। तू टूंडी है, टूंडी रहेगी, टूंडी है। चुपचाप से ना ये फ्री का खाना ठूसो और घर चलो। ओए खा ले, दे खा ले। इस टीवी में कहीं कबड्डी IPL का मैच नहीं आ रहा क्या आज? ओहो कैटरीना कैफ, कितनी सुंदर लड़की है ये, कितनी खूबसूरत है, और फिगर लाजवाब। काश ये मेरी बीवी होती।
जब किस्मत में हो लंगूर, कहाँ से हाथ लगेगा अंगूर। वाह कितनी खूबसूरत हो यार तुम। काश मैं ऐसा बोल पाता। इस जन्म में तो नहीं लगता कि मैं ये शब्द यूज भी कर पाऊंगा। क्या अदाएं हैं, कितनी मस्त आंखें हैं, क्या स्माइल है, कितने बढ़िया बाल हैं, कितनी अच्छी स्किन है। खुदा ने बड़ी सोच समझ कर बनाई है ये चीज। जी करता है गले लगा लूं। अच्छा तो फिर लगा लो। इतनी देर से अपनी तारीफ कर रहे थे। सुबह से ना तुमने मेरा दिमाग खराब करा हुआ है। और तो कुछ करते नहीं हो, तारीफ तो कभी कर नहीं सकते हो। सुबह से बस मेरी बुराई करे जा रहे हो, बुराई करे जा रहे हो, छेड़े जा रहे हो। मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं घर छोड़ के ही चली जाऊंगी। मैं तो चाहता ही हूँ घर छोड़ के चली जाए। सॉरी यार मुझे खाना नहीं मिलेगा, तुम खुद ये चीज सोचो यार। मेरे को ऑफिस भी जाना होता है, काम भी करने होते हैं। अच्छा तो तुमने मुझे खाना बनाने के लिए ला रखा है, तो मुझसे शादी क्यों करी? कर लेते ना किसी काम वाली से शादी। मजबूरी में करनी पड़ गई शादी। सॉरी यार प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। अब मैं अपनी बीवी को परेशान भी नहीं कर सकता क्या? मान जाओ ना यार। अच्छा बताओ तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूं, बता भी दो यार। अब ठीक है तो फिर शॉपिंग पे ले चलो मेरे को। शॉपिंग? पागल पागल हो गई हो क्या? महीने में ना 30 दिन होते हैं और तुम 30 दिन में 50 बार शॉपिंग पे जाती हो। इतना बजट नहीं है भाई मेरा, कितनी शॉपिंग करती रहती हो। पूरा घर भर दिया तुमने शॉपिंग कर करके। आज कटोरी ची, आज फ्रिज ची, आज ये वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आज फोन का नया कवर लाना है, आज फेस वॉश खत्म हो गए। अरे पागल हो गया हूँ यार इतनी शॉपिंग करवा के। इतना बजट नहीं है मेरा कि तुम्हें शॉपिंग कराता रहूं दिन में 2-2, 3-3 बार। तुम रुसी रहो। ठीक है फिर बैठो तुम यहीं पे, ठीक है ना? आज मैं रात का खाना भी नहीं बनाऊंगी, मरो भूखे। चल यार आज ना बाहर से खाना खा लूंगा, इस शॉपिंग से तो बढ़िया ही है। माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती है। वाह अनुपमा वाह। आज का दिन ही खराब है, पता नहीं सुबह से उल्टे लगे हुए हैं मेरे। अरे हो क्या गया? यार कुछ नहीं, अपने दोस्त की गाड़ी ना उधार मांग के लाया था। तेरे बाप ने तो दी नहीं मेरे को एटलेस साइकिल भी। क्या? कुछ नहीं यार, अपने दोस्त की ना गाड़ी उधार मांग के लाया था और उसकी गाड़ी मुझसे ठुक गई। अब मेरे पास उसको ठीक कराने के पैसे तक नहीं है, मेरी जेब खाली पड़ी है। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि उस गाड़ी को ठीक कैसे कराऊं। बहुत भरोसा करके गाड़ी दी थी उसने। अब चले जाना अपना माइके बस वगैरह में, मैं नहीं छोड़ के आऊं क्योंकि वो गाड़ी तो देगा नहीं। अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। छोड़ो क्या शांत यार, दिन ही खराब है। वाह यार इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इसको तो मैं मिस ही नहीं कर सकता। मार कोहली मार, छक्का छक्का छक्का। वाह टीम इंडिया, मुझे उम्मीद है हम ही ये मैच जीतेंगे। चौका, यस आज तो इंडिया जीत के ही रहेगी और फाइनल्स में जाएगी। तुम्हें क्या हो गया एकदम से? अभी तो इतना आग बबूला हो रहे थे हा? और अब एकदम शांत हो गए हो मैच देख के? भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हम लड़कों का ऐसा ही होता है, जहाँ क्रिकेट दिखा वहीं पे मूड ओके। अच्छा तुम लड़कों का सही है, क्रिकेट देख लिया, न्यूज देख ली, मूवी देख ली, ऐसे मूड ठीक हो जाता है तुम्हारा। जैसे तुम्हारा मूड ठीक होता है ना, ऐसे हम लड़कियों का भी शॉपिंग पे जाके मूड ठीक होता है, ठीक है ना? चाहे कितनी भी आफत आ रही हो, अगर हमें शॉपिंग पे ले जाओ ना हमारा मूड सही हो जाता है। ठीक है ज्यादा मत बोलो अब। क्या ठीक है, शॉपिंग पे लेके चलो, कल भी नहीं लेके गए थे तुम, ठीक है ना? मैं नहीं लेके जा रहा शॉपिंग वगैरह पे। क्या बोले? चल रहा हूँ ना, मैंने कम मना किया शॉपिंग पे जाने के लिए यार। चलो तुम चलो जल्दी, इसी गाड़ी को लेके जाता हूँ। अब करेंगे मनाली में मजे। यस स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है पता है। हाँ बहुत मजे आएंगे। और पता है मेरी फ्रेंड ने ना डीपी लगा रखी थी स्नोफॉल की, मैं भी जाकर वहाँ पे फोटो खींचूंगी मस्त मस्त। हाँ तू क्या, हम भी खींचेंगे। और मैं तो तुम सब पे बर्फ मारूंगी। हाँ तो फिर खाएगी भी। ठीक है चलो म्यूजिक चलाती हूँ। हाँ गाने चलो गाने।
ये ठीक है। यार वॉशरूम जाना है, सुसु आ रहा है मेरा। तो चुप रह, तेरा हर बारी का यही है, जब भी ट्रिप पे जाते हैं सुसु आ रहा है, रोक के बैठी रह। गाड़ियों में थोड़ी रोकूंगी। हम नहीं रोकने वाले गाड़ी, वो भी तेरे सुसु के लिए। कंट्रोल कर, कंट्रोल। यार एक बात बोलूं, मुझे भी वॉशरूम आ रहा है। वॉशरूम नहीं आता, सुसु आता है। वॉशरूम के पास तो हम जाते हैं। हाँ हाँ वही वही। यार गाड़ी रोको जल्दी से, वरना मैं सुसु यहीं पे कर दूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। चला गाड़ी, अब ये गाड़ी मनाली में रुकेगी, समझी? कंट्रोल कर, कंट्रोल। अब नहीं रुकेगी गाड़ी वाड़ी, तेरे को जहाँ निकालना ना वही निकाली। इतनी देर से मैं कंट्रोल कर रही ना, तू भी कर। यार रोक दो मेरे को, तो वॉशरूम बहुत तेज आ रहा है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, प्लीज रोक दो रोक दो रोक दो। अभी उसे बताए ना, वॉशरूम नहीं आता, सुसु आता है, सुसु। यार एक बात बताऊं, मेरे को भी आ रही है सुसु तो बहुत तेज, मैं बोल नहीं रही थी। अच्छा अब देखो, इतनी देर से हम कंट्रोल कर रहे, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं दी है, अब जब खुद को आ रहा है ना, ऐसे होता है जब खुद पे बीतते ना तब पता लगता है लोगों को। रोक ले क्या गाड़ी? ठीक है जल्दी से कहीं वॉशरूम देख के रोक लेते हैं। हाँ चलो 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 चलो। ओए रोक ले रोक ले रोक ले, बोरा बोरा बोरा। हाँ पब्लिक टॉयलेट ये लो। चलो चलो जल्दी चलते हैं, चलो उतरो जल्दी। एक मिनट, सबसे पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को सबसे पहले सुसु आया था। हाँ ठीक है जा। यार वॉशरूम तो बहुत गंदा है, पागल है क्या? टिश्यू पेपर होगा उसको ले और साफ कर और बैठ जा। पोते जा गया मैं तो। नहीं है टिश्यू पेपर्स भी। अरे जेट स्प्रे होगा ना, उससे धो ले। जेट से? हाँ जेट से साफ करती हूँ। ये तो गीला हो गया यार, ये तो गीला हो गया, गीले पे मैं नहीं बैठ रही। तू उस पे खड़ी हो जा, जल्दी आता। नहीं यार मैंने हील्स वाले बूट्स पहने हुए हैं, ऊपर कैसे बैठ पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। बहन देख एक आखिरी आइडिया है, जैसे जिम में स्क्वाट्स करते हैं ना वैसी पोजीशन पे खड़ी हो जा, ना तू बैठेगी ना तू एकदम खड़ी रहेगी, और करा जल्दी। हमारी यहीं पे निकल जाएगी नहीं तो। जल्दी हो जो स्क्वाट्स। चल ठीक है। फील हो रहा है, फ्लश भी नहीं है। अब अच्छा फील हो रहा है, पर ना पैरों की बैंड बच गई, पैर दुख रहे। इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी ना, इतना सारा टैंक भर गया था पूरा पेट का। पैर वैर छोड़ से मुट्ठी से पिसले है रे तेरे, मनरे 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 नहीं ओ नन्ही जान, छोड़ा सीना तान चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल। हो गया सबका? हाँ चलो अब। ये उधर अरे यार थक गए, 2 घंटे की पार्टी के लिए
3 घंटे मेकअप करना पड़ता है। 3 घंटे मेकअप करने के बाद अब 4 घंटे इस मेकअप को उतारने में लगेंगे। यार मुझे तो आलस ज्यादा है मेकअप उतारने में। मेरा मन कर रहा है ऐसे ही सो जाऊं। हाँ मन तो कर रहा है, मुझे खुद नींद आ रही है, पर ऐसे सो तो नहीं सकते ना, मेकअप में स्किन खराब हो जाएगी। चलो उतारो। चलो फाइनली हो गए एंड रेडी, अब जल्दी से चल कर सोते हैं। चलो ये सब फैला के तो चले गए थे हम, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे को नींद आ रही है। अब बाद में मरियो, बाद में नींद करियो, पहले हिसाब करो। तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, जैसे मुट्ठी से फिसले हैं रेत रे। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ ठीक है, ये तो सब लोग ही बोलते हैं, हम लोग कुछ अलग बोलेंगे। तो ये सब जो कपड़े वपड़े फैलाए हुए आपने देखे, हमारे तो शूट के टाइम फैल जाते हैं और अपने शूट के लिए ही मोस्टली कपड़े ऐसे ही फैलाए थे। आप लोग ऐसे बिल्कुल भी काम मत फैलाना, अपनी मम्मी का काम मत बढ़ाना और अपनी मम्मी की सारे कामों में हेल्प जरूर करवाना। हम नहीं करवाते, चलो सो जाओ, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।